हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ते थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमारे पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे, सो दिस लेक्चर विल बी बेसिकली फॉर टेस्ट डिस्कशन क्योंकि हमारा अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by 2, 4 and 6। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे राइट। हमें जब इस तरह का क्वेश्चन करना होता है तो हम बेसिकली क्या लेते हैं, यहाँ पे लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब उसका हमें एलसीएम चाहिए, ऐसा एलसीएम चाहिए इन तीनों का जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम ऑफ 2, 4 and 6, तो एलसीएम क्या होगा इनका 1, 2 and 3, 2, 1, 1 and 3, एंड जिसे करेंगे हमारा 1, 1, 1, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 into 2 into 3, करेक्ट, विच इज बेसिकली 12, राइट। बट ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो 2 का तो ऑलरेडी एक पेयर है बट 3 का पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो हमें लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो मिलेगा क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3, विच इज 4 into 9, क्या है 36। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 3, 9, 0, 6, 2, 5। तो हमने देखा था राइट कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है इसके स्क्वायर रूट में। तो हमने ये देखा था कि हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें अगर n डिजिट होता है एंड अगर वो इवन है, n अगर इवन है तो हमारा n बाय 2 हो जाता है एंड अगर ऑड है तो n प्लस 1 बाय 2, करेक्ट। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है, मतलब इवन है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। ओके, नाउ लेट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्शन की बात आती है हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग डिविजन मेथड लेते हैं राइट। तो हम इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम इसको पेयर अप कर लेंगे इस तरह से, तो 25 है पहले, तो 5, 5 25 हो जाएगा हमारा घर एंड 09, 5 and 10। नाउ हमारे पास सिर्फ 9 बचा है तो हम यहाँ पे 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एंड बचा हमारा क्या 9 बचा एंड 50। तो 50 का हम स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है 2500 राइट। तो हम इसमें से क्या करेंगे 2509 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2500 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम हमने कितना माइनस किया, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 9। ओके, सो एंड नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है 501 स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। तो हम सेम चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 501 + 500 × 501 - 500, राइट। इससे ज्यादा हमें ये नहीं पड़ेगा, हम इसका स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर निकाले, फिर उसको इससे माइनस करें तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इस तरह से ये जो आएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमें सेम वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको एड करेंगे तो हमें 1001 मिलेगा, तो हमारा आंसर 1001 हो जाएगा इसका। ओके, नाउ हमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मैं मुझे दिया हुआ है 6, 8 and 10, 3, 4 and 7, 5, 12 and 18 एंड 2, 3 and 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए राइट, एंड सी स्क्वायर सी जो होता है वो सबसे बड़ा
नंबर होता है अगर, तो हम इसमें जब इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर हम 10 स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा राइट, एंड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लेंगे हम तो क्या आएगा 36 प्लस 64 विच इज ऑल्सो 100, दोनों इक्वल हो गए, मतलब 6, 8 एंड 10 हमारा क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपल आएगा। ओके सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऑड नंबर्स का सम दिया हुआ है, ऑड नंबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन टिल 23 प्लस 25 तक दिया हुआ है, एंड हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या देखा था कि हम हर एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो भी होता है उसको क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to हम लोग लिख सकते हैं राइट, एंड उसमें नंबर ऑफ, अगर हम बोले कि मुझे एन स्क्वायर, हमें एन स्क्वायर को लिखना है सम ऑफ ऑड नंबर्स राइट, तो हम कितने ऑड नंबर्स लेते हैं, एन, एन ऑड नंबर्स करें, अगर वो एन का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे एन ऑड नंबर्स लेंगे, ये क्या होगा सम ऑफ एन ऑड नंबर्स होगा करें। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे जितने ऑड नंबर्स हैं, जितने ऑड नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे एम ऑड नंबर्स हैं तो हम बोलेंगे कि इनका सम क्या होगा एम स्क्वायर होगा कर, तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स बीच बीच में इवन नंबर्स है जो मिस हो रहे हैं राइट, तो यहाँ तक हमारे पास टोटल 25 है करेक्ट, 25 तक है हमारा एंड बीच के नंबर मिसिंग है, तो कितने नंबर्स मिसिंग है 2, 4 राइट, 2 नंबर मिसिंग है जो 2, 4 एंड सो ऑन टिल 24 तक करेक्ट, तो ये कितने नंबर्स है हमारे पास, ये टोटल 12 नंबर्स होंगे करेक्ट, ये 12 नंबर्स होंगे, तो अगर इवन इसमें से सिर्फ 12 है तो 25 टोटल नंबर्स में से जो बाकी बचे नंबर है वो क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि 13 ऑड नंबर्स है हमारे पास, तो ये 13 नंबर्स है राइट, ये 13 ऑड नंबर्स है तो इनका सम क्या हो जाएगा प्लस 25, ये 13 ऑड नंबर्स है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू क्या होगा 13 का स्क्वायर, जिस 13 into 13 कितना होता है हमारा 169, इसका सम कितना होगा 169। ओके सो नाउ सेवेंथ क्वेश्चन हम देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड या डिविजन हो रहा है तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, तो 396 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कितना आएगा 396 टू किया हमने 198 देन 299 अगेन 3 से किया हम 33 11 एंड 11 से 1, तो 396 इज बेसिकली इक्वल टू क्या होगा 2 into 2 into 3 into 3 into 11 करेक्ट, तो यहाँ पे तो 2 का पेयर है 3 का पेयर है बट 11 का पेयर नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है राइट, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करना था तो हम डायरेक्ट 11 को हटा देते, अभी क्या करना है मल्टीप्लाई, अगर हम 11 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 11 का भी पेयर बन जाएगा तो राइट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 11 से। ओके ओके नाउ सी एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच वेन एडेड टू द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 17 एंड 13, ठीक है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 17 एंड 13, मुझे बोला गया कि ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के स्क्वायर के बीच में उनमें मुझे कौन सा ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले राइट, तो मैं ये नंबर पहले निकालूंगी तो ये क्या आएगा 17² - 13² इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 17 - 13 into 17 + 13 करें तो कितना हो जाएगा ये 4 हो गया हमारा एंड ये 30 हो गया विच इज 120, तो 120 इनके बीच का बीच के इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 120। नाउ हमें क्या करना है हमें इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो 120
120 को याद करोगे तो तुम्हें क्या नंबर याद आएगा? 121. 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है. करेक्ट. ये हमने टेबल में पढ़ा था तो ये इजी है. हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं. हम बोल सकते हैं कि हम इसमें डायरेक्ट 1 ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा. सी नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 0.0009 डिवाइडेड बाय 0.01. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर हमें दोनों का क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, राइट, डिवीजन करना है दोनों के बीच में. तो हम ये डेसिमल है हमारा, राइट, डेसिमल है, तो हम डेसिमल वाला कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, बस हमारा जीरो है इनिशियल में, तो हम जीरो को सिंगल ले लेंगे एंड फिर 0009, तो जीरो तो हमारा चला जाएगा. ऐसे ही हम 0 डायरेक्ट ले लेते हैं एंड हम यहां से चालू करेंगे तो ये भी जीरो ही है, तो यहाँ पे भी हमारा जीरो आ गया, 0009 बचा हमारा, फिर जीरो हो गया हमारा. क्या लेंगे हम? 3 लेंगे, राइट, तो 3 × 3 9 हो जाएगा 300, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. करेक्ट. सिमिलरली हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.01 का, तो ये अलग ये अलग, ये तो 0 गया, बचा क्या 0.01, राइट, यहाँ पे 0001 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें 0.01 मिल जाएगा एंड बचा क्या हमारा 0.1. तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया 0.03 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 0.03 0.1, तो ये पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे राइट साइड, तो ये वाला पॉइंट भी अपने आप राइट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3, इसका आंसर हो जाएगा. ओके, सो ये हो गया हमारा 9. सी 10th में हमें फिर से डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. हमारा डेसिमल नंबर है 0.064. ओके, तो हमारा 10th में अभी बोला गया है हमें 0.064 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसमें हम डेसिमल का बाद का नंबर अलग से पेयर करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट, तो यहाँ पे कम पड़ा तो हम वहां पे 0 ऐड कर दिया हमने. ठीक है, तो ये तो 0 हमारा 0 हो जाएगा सीधा. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0.6 किसका होगा? 2 × 2 लेंगे हम लोग, राइट, तो 2 × 2 4 आ जाएगा एंड बचा गया 240 हो गया, ये 2 4 आया हमारा. नाउ सी हम क्या लेंगे यहाँ पे, जो इससे छोटा होगा तो हम क्या लेंगे, अगर हम 5 लेके देखें, 5 × 5 = 25 × 5 = 20 = 22 हो गया, तो ये होगा हमारा 225. यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 लिया, यहाँ पे भी 5 लिया, बचा गया हमारा 15. ओके, नाउ इसको हमने ऐड किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 50. ओके, यहाँ पे 150 है, तो अगर हम और 0 2 0 ऐड करते तो हम 2 0 को और उतार सकते हैं, ये हमारा ही कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट, तो हम इसको और लेंगे तो 1500 आ गया. नाउ यहाँ पे सी, अगर हम ये 3 लेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 9 1509 आएगा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 0.064 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 0.25 होगा. ओके, सो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन हमने हमारे होमवर्क में था एंड मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था. ओके, सो हम लोग एक बार सॉल्व करके देखेंगे. हम क्या करेंगे, हम जो हमारा 5 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर होता है हम बोलेंगे, ठीक है, एंड फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें से हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे सब्ट्रैक्ट करके कोई नंबर. ठीक है, तो हमें वो नंबर कैसे मिलेगा, हम लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे, राइट, तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे तो ये हमारा बचा क्या 9. यहाँ पे तो हमारा 3 आ जाएगा पहले एंड 0 99 आया हमारा नीचे 3 6, राइट, अब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा तो हम 1 ही लेंगे, तो ये 3 1 क्या आएगा हमारा 61 ही आएगा, 8 38 बचा एंड 9 9 को हमने नीचे ले लिया तो हमारा आया 62. नाउ अब हमें क्या लेना है यहाँ पे,
ठीक है, तो 6 देखो एंड अगर हम 5 लेंगे तो 5 6 30 एंड ये 38 है तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि वो उससे छोटा आएगा। तो लेट्स सी, अगर हम 5 लेके देंगे तो 5 5 25, 5 2 10, 5 6 30 एंड 31, 3 1 2 5 ये इससे छोटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बट 6 लेके भी देख लेते हैं, क्या पता हमें 6 में भी उससे छोटा मिल जाए। 6 6 36, 6 2 12 एंड 51, 6 6 36 एंड 3 7 5 6 स्टिल अभी भी छोटा है, बट अगर हम 7 लेंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। राइट, हम यहाँ पे 6 लिया तो आया क्या हमारा 3 7 5 6 एंड रिमाइंडर आया हमारा 143। हमारा रिमाइंडर आया 143, मतलब अगर हम 143 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। राइट, देखते हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। 6589985 जो होगा वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमें एक नंबर दिया है ए, एक नंबर दिया है बी एंड हमें बोला गया है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 145। ओके, एंड हमें ये बोला गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 3। सपोज मैं बोलू कि ठीक है मेरा रूट ए का स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, ए का स्क्वायर रूट अगर मेरा 3 है तो किसका स्क्वायर रूट 3 हो सकता है? 9 का स्क्वायर रूट 3 हो सकता है। राइट, हम बोल सकते हैं कि ए मेरा 9 हो जाएगा। राइट, ए 9 हो गया तो ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर विच इज 81। तो हमारा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 145 माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 145 माइनस 81 एंड बचा क्या हमारा 4 एंड 64। तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया 64। तो बी कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर 64 होता है 8 का, तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, 9 13 हमें बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1500 एंड नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो 1500 हमें दिया हुआ है एंड इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के दोनों के बीच में इनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो 1500 के पहले भी एक स्क्वायर नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर एंड 1500 के बाद भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, बट नियरेस्ट कौन सा होगा, जिन दोनों के बीच में सबसे कम डिफरेंस होगा। राइट, तो नाउ लेट्स सी हम क्या करेंगे, हम पहले इससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, हम डिविजन मेथड से। तो अगर हम 15 स्क्वायर लेंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। राइट, एंड 4 4 60 हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 9। तो आया ये कितना हमारा 600 बचा है, यहाँ पे हमारा इसमें भी 6 हो गया। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 6 हम क्या करके 9 लेके देखते हैं। ठीक है, 9 तो 9 9 81, 9 6 54 एंड 8 हमारा 62 हो जाएगा। करेक्ट, तो 621 ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे हम 68 लेके देखते हैं। ठीक है, 8 लेके देखे हैं, 8 8 64, 8 6 48 एंड 6 54 हमारा आ जाएगा। मतलब हमने क्या लिया, 8 लिया 38 एंड 544, जब क्या हमारा 56 बचा हमारे पास। ठीक है, मतलब हम 56 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 38 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 38 का स्क्वायर हमें मिल गया है। ठीक है, 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1500 में हम 56 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1444। ठीक है, 1444, तो ये 38 का स्क्वायर हो गया एंड इसके बीच में कितना डिफरेंस है 56। नाउ एक चांस ये है कि 1500 का जस्ट बाद मतलब आगे उससे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, 39 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर कितना आएगा, 39 into 39, 9 9 81, 9 3 27 एंड 8 35, 3 9 27, 3 3 9, 10 11, तो आ गया 1521 आ गया। राइट, नाउ सी 1521 एंड 1500 के बीच कितना डिफरेंस है, 21 का, एंड इन दोनों के बीच में 56 का, तो ये ज्यादा नियरेस्ट होगा। राइट, एंड इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 21, तो हमारा आंसर 21 हो जाएगा इसका।
ओके सो हमारा 14 क्वेश्चन हम देखेंगे. तो 14 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रमेश अरेंज्ड 174244 चॉकलेट्स इन अ वे दैट जितना एक रो में चॉकलेट था उतना हर एक कॉलम में भी चॉकलेट था. ओके मतलब अगर उसने 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज किया एन इसमें तो इधर भी हमारे कितने टाइम्स थे एन टाइम्स. ओके यहाँ पे हमारे पूरे चॉकलेट्स हैं. ओके सो समझ रहे एक स्क्वायर बन रहा है तो इसमें एन नंबर ऑफ रोज है एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड पूरा टोटल मिलाकर हमारे इतने चॉकलेट्स है. मतलब क्या हो जाएगा अगर एक लाइन में एन है ठीक है दूसरे लाइन में भी एन है एंड ये एन कितने टाइम है एन टाइम्स है मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा. मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एन स्क्वायर जो है वो 17424 के इक्वल होगा. ओके तो अगर हमें एन निकालना है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ठीक है तो हमें एन मिल जाएगा. तो 17424 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें क्या मिलेगा 1 1 1 आया क्या हमारा 74 बचा एंड 2 यहाँ पे बचा हमारा. तो अगर हम 3 लेंगे तो 3 3 9 राइट 3 3 9 3 2 6 बचा क्या 5 24 एंड 3 26. नाउ 4 है अगर हमारा 4 तो 4 किसका इसके यूनिट प्लस पे आता है 2 के स्क्वायर पे या फिर 8 के स्क्वायर पे राइट. हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो 2 2 4 2 6 12 2 5 24 आ गया 0 मतलब 132 चॉकलेट्स इन अ रो एंड हर एक कॉलम में और उतने ही रोस होंगे हमारे पास. ओके तो इसका आंसर हमारा 132 हो जाएगा. और 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है हमें क्या निकालना है स्क्वायर ऑफ 1.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.2 into 1.2 तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो हमारा 1.44 आएगा जो कि 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके नाउ 16 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 1 एट द यूनिट प्लेस. ठीक है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में कुछ स्क्वायर दिए हुए 81 स्क्वायर 18 स्क्वायर 54 स्क्वायर एंड 95 स्क्वायर एंड पूछा गया कि किसके वैल्यू में डिजिट प्लेस पे 1 होगा एंड ये सारे स्क्वायर है. तो स्क्वायर में अगर हम यूनिट प्लेस पे 1 की बात करें तो 1 स्क्वायर 1 होता है हमारा एंड 9 स्क्वायर 81 होता है राइट. तो जब यूनिट प्लेस पे 1 या 9 होता है तभी उन नंबर के स्क्वायर की स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 होता है करेक्ट. तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 95 में 5 है 54 में 4 है 18 में 8 है एंड 81 स्क्वायर में 1 है तो इसके भी स्क्वायर सॉरी यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा. तो 81 स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा. ओके नाउ 17th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर. ठीक है तो हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट तो देखा तो ग्रेटेस्ट में हमने क्या लिया हमने सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 5 डिजिट का वो लिया एंड फिर उसमें से हमने वो नंबर निकाला जो हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले. तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे बट हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे एंड उसमें हमें क्या ऐड करें ऐसा कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले हम ये देखेंगे. ठीक है तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000 होता है करेंट तो जस्ट नीचे क्या आता है 999 जो कि 3 डिजिट हो जाता है. तो 1000 जो होता है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है. तो अब हमें देखना है कि हम उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है सो 1000 3 3 हो जाएगा हमारा 900 आ गया एंड 3 6 एंड 1 से करेंगे हम तो ये 61 हो जाएगा करेंट 9 एंड बचा गया हमारा 39 बचेगा यहाँ पे करेंट. तो 39 बचा तो 39 को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. परफेक्ट स्क्वायर तो मिलेगा बट अगर हम 39 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा. ओके
सो अगर हम 39 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 31 का स्क्वायर मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 32 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे राइट। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 into 32 2 2 4 2 3 6 3 2 6 3 3 9 4 and 6 6 square 1 1024 तो 32 का स्क्वायर 1024 आएगा। मतलब अगर हम इसमें 24 ऐड कर देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक स्मॉलेस्ट 4 digit परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके सो हमारा आंसर हो जाएगा 124। नो सी 80th क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 19 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। तो ये हमने पैटर्न में पढ़ा था करेक्ट, जब हमें बोला जाए कि हमें एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर के बीच नेचुरल नंबर निकालना, कितने नेचुरल नंबर होते हैं 2 नेचुरल नंबर होते हैं राइट इनके बीच में। तो यहाँ पे एन क्या है 19, एन प्लस वन 20 है, तो इनके बीच में कितना होगा 2n मतलब 2 into 19 बेसिकली 38 नेचुरल नंबर होंगे इनके स्क्वायर के बीच में। ओके हमें इसका स्क्वायर निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं राइट। नाउ 19th क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। हमने ये तो देखा ही था कि इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं तो ये बताना हमें किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो 272 1 2 3 4 437 तो इनमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा कि जो नंबर खुद ऑड है उसका स्क्वायर ऑड होगा। तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, बट ये ऑड है तो इसका स्क्वायर ऑड नंबर हो जाएगा। ओके नाउ 20th क्वेश्चन, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग एन डिजिट्स। ओके एन डिजिट्स जो कि क्या है इवन है, जो कि इवन है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे एन बाय 2 डिजिट्स। ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है कि अगर एन एन डिजिट होते हैं वो ऑड होता है तो एन प्लस 1/2 हो जाता है, इवन होता है तो एन बाय 2 डिजिट्स। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन ऑफ द मेंबर्स इज 5 एंड हमें जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हमें दिया हुआ है 3 4 5 जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये करेक्ट है हमारा, एंड 5 12 and 13 जो कि ऑल्सो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। इसको हम देख लेंगे, जैसे कि ये बड़ा नंबर है राइट, तो ये अलग हो जाएगा हमारा 13 square 169 होता है। नाउ हम 5 square and plus 12 square करेंगे राइट, तो 5 square is 25 एंड 12 square is 144 विच इज बेसिकली 169। ये दोनों हो गए इक्वल, मतलब ये दोनों की पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, दोनों में 5 मेंबर है तो दोनों ही करेक्ट होंगे इसके। ठीक है नाउ सी 22nd क्वेश्चन, तो 22nd क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आर डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है हमें बोला गया कि हमें एन एक दिया है एंड हमने इसी को ही इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमें क्या प्रोडक्ट मिला है 51.84। तो बेसिकली क्या एन का स्क्वायर है राइट, एन का स्क्वायर है तो एन क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, एन इज स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये अलग हो गया, ये अलग पैर हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 7 7 49 ले सकते हैं हम, बचा क्या 2.84। हम यहाँ पे पॉइंट पॉइंट वाले हार निकल गए, डेसिमल वाले नीचे आएगा तो हमारा डेसिमल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 14। अगर हम 2 लेंगे तो 2 2 4 2 4 8 2 1 2 0 मतलब 7.2। ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 7.2, मतलब नंबर क्या होगा हमारा 7.2। ओके नाउ लेट्स सी 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन में हमें दिया गया है डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 80 meter and 18 meter। हमें कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है एंड हमें बोला गया है कि ये 80 मीटर है एंड ये 18 मीटर है। ओके तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, अगर हम इसका डायगोनल लेंगे
तो ये जो बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा एंड ये इसका परपेंडिकुलर होगा एंड ये इसका बेस होगा एंड जो डायगोनल होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बेस कितना है 80 है 80 स्क्वायर प्लस एंड परपेंडिकुलर 18 स्क्वायर। करें तो ये कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर इज 6400 प्लस 18 स्क्वायर कितना आता है हमारा 18 करो 18 का 64 राइट 44 एंड 18 324 तो दोनों का ऐड कर देंगे कितना आ गया हमारा 24 इधर है एंड 76724 तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 6724 है तो 6724 तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 6724 उसका स्क्वायर कितना आएगा इसको हम अलग कर लेंगे 8 is 64 बचा क्या 324 8 is 16 राइट। नाउ 2 लेंगे हम तो 2 2 is 4 2 6 is 12 एंड 2 8 is 7 324 बेसिकली ये कितना आ जाएगा 82 meters इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायगोनल की इसका डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 82 meters। हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा था कि हमारे जो स्क्वायर नंबर आते हैं उनके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है राइट एंड कौन कौन से नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा था कि 2, 3, 7 एंड 8 राइट ये जो चार नंबर होते हैं अगर ये बिल्कुल भी किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में पॉसिबल नहीं है तो हम इसका यूज करके यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे नंबर दिया 4, 4, 8, 9 तो ये पॉसिबल है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 3, 4, 8, 1 ये भी पॉसिबल है 9 है तो 9 3 स्क्वायर और इधर 7 स्क्वायर हम करते हैं तो 9 आता है यूनिट प्लेस एंड 1 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तो ना 7, 9, 2, 1 दिया है वो भी 1 है तो वो भी पॉसिबल है 1, 0, 5, 7 इसके यूनिट प्लेस पे 7 एंड 7 देखो ये जो नंबर होते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर होने की उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती तो हमारा आंसर 1, 0, 5, 7 होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है नाउ लेट्स सी 26 क्वेश्चन। हमें बोला गया कि 1500 का हमें नियरेस्ट होल नंबर निकालना है राइट उसके स्क्वायर रूट का तो 1500 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। ठीक है तो लेट्स सी कि 1500 जो है सॉरी 1500 नॉट 500 कौन से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है। तो अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे राइट तो हमें क्या मिलेगा कि 500 जो है 500 राइट हमें पता है कि 625 जो होता है वो क्या होता है 25 का स्क्वायर मतलब 500 डेफिनेटली 25 स्क्वायर से छोटा है राइट एंड ऑल्सो एक चीज हमें पता है कि 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है मतलब 500 जो है वो 20 के स्क्वायर से बड़ा है करीब बट 20 एंड 25 के बीच में अभी भी बहुत गैप है। तो अगर हम क्या करेंगे 22 का स्क्वायर अगर हम लेके देखेंगे ठीक है तो 22 का स्क्वायर हम देखेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना आता है 22 into 22 विच इज 484 तो 484 अभी भी 500 से छोटा है मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 22 स्क्वायर से छोटा बड़ा होगा 500 का रेट एंड 25 अभी भी बहुत दूर है 625 से राइट। तो हम क्या करते देखते हैं 23 स्क्वायर निकाल के देखते हैं ठीक है 23 करेंगे हम 3 3 9 3 2 6 2 3 6 529 500 से बड़ा होता है तो ये कितना हो गया 230 स्क्वायर 23 स्क्वायर राइट तो 22 स्क्वायर इज 484 एंड ये है 500 एंड ये है 20 23 का स्क्वायर हमारा 529 है करेक्ट। तो नाउ सी 484 एंड 500 के बीच में कितना गैप है 16 का गैप है एंड 500 एंड 529 के बीच में 29 का गैप है मतलब ये इससे ज्यादा पास है
ये इससे ज्यादा पास है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 22 स्क्वायर रूट ऑफ 23, राइट। एंड हमने देखा था कि ये इससे ज्यादा पास है, इसलिए 500 का स्क्वायर रूट 22 के ज्यादा पास होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 500 विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 हो जाएगा हमारा। ओके, नाउ लेट्स सी 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमने ये तो देखा था कि हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए होते, जब n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर हमें बोला गया होता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2n नेचुरल नंबर होता है, बट यहाँ पे हमें n है इसलिए तो हमारे लिए n प्लस 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में पहले निकालें एंड 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में फिर निकालें, करें तो हमें एक पॉसिबल केस है, तो 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 विच इज 10 नेचुरल नंबर, इनके बीच में 2 इंटू 6 12 नेचुरल नंबर्स, तो हमारा कितना मिल गया यहाँ पे 10 एंड 12 22 तो मिल गया यहाँ पे, बट नाउ लेट्स सी, मैंने बोला ये 5 स्क्वायर है एंड ये 6 स्क्वायर है एंड ये 7 स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने इतना तो निकाला 10 नंबर्स, इतना निकाला 12 नंबर, बट ये 6 जो है वो छोड़ गया अभी भी, वो एक नंबर और हो जाएगा, राइट। तो 10 प्लस 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 23 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। ओके, नाउ 28th क्वेश्चन, हमें पूछा गया कि 600 के स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, तो जीरो में क्या होता है, जीरो हमारे स्क्वायर में डबल हो जाते हैं, यहाँ पे 1 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में हमें दिया गया कि द लिस्ट नंबर बाय विच 72 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 36 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 3 3 एंड 3 1, तो 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, नॉट डिवाइड करना है तो हमारा जो इनकम्प्लीट पेयर है हम उसको हटा देंगे, मतलब हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर 36 मिल जाएगा, जो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर था, मतलब हमें क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, हमारा आंसर 2 हो जाएगा इसका। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन 30, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5504 1561, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, करें तो 1 2 3 4, ये सारे पेयर अप हो गए हमारे, नाउ 55 है हमारा, तो 7 7 49 लेके करें, बचा क्या हमारा 6 एंड 04 इधर से आ गया, एंड यहाँ पे बचा हमारा 40, तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 1 6 छोटा होगा, रहे तो हम देखते हैं 1 4 5 लेके, तो कितना आएगा, 5 5 25 5 5 25 5 5 7 25, ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे, हम 4 लेके देखेंगे, 144 into 4 4 4 16 4 4 16 1 4 576 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 576, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 40 में से 6 गया हमारा 8 एंड 2 एंड हमारा 15 को हम नीचे ले आएंगे, एंड ये कितना हो जाएगा 148। नाउ हमें देखना है कि हम 148 के साथ और क्या लेंगे, ऑफकोर्स अगर हमने 2 लिया तो हमारा नंबर जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, राइट, इसलिए हम 1 लेंगे यहाँ पे, तो 1 1 1 4 8 1 ही आएगा हमारा, एंड 4 11 8 3 एंड 5 एंड 1 5 3 4 बचा, ठीक है, तो एक बार पॉसिबल केस हम लोग देख लेते हैं, अगर 2 लेते तो क्या होता, 1 4 8 2 इंटू 2 2 2 4 2 8 16 2 4 8 एंड 9, 2 9 6 4 आता है, ये इससे बड़ा हो जाता है, इसका हमने अच्छा वर्ड 2 नहीं लिया, ठीक है। नाउ सी, अगर हम यहाँ पे 1 4 8 2 हो गया, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 61 आ गया, राइट। अब 1 कब आता है, जब 1 होता है और 9 होता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, 1 लेके अगर हमने देखेंगे तो हमारा नंबर बहुत छोटा आएगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट
9 लेके देखते हैं, ठीक है 9 लेके देखते हैं, 9 हमने लिया, 9 9s are 81, 9 2s are 18 and 8, 26, 9 8s are 72 and 2, 74, and 9 4s are 36 and 7, 43, and 9 1s are 9 and 9 1s are 9 and 4, 30 हो जाएगा हमारा right, sorry ये 3 आएगा यहाँ पे 9 8 5 3 मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7419। ठीक है सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, होपफुली सबको क्लियर हुआ एंड होपफुली तुम लोग का टेस्ट भी अच्छा गया हो। सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। तो सेम चीज ये हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर में हम एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब्स में हम क्या करेंगे सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो आई विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।